हम अक्सर पुलिस वालों के अमानवीय चेहरे की ही बात करते हैं, मगर जमुई के कुछ पुलिस वालों का मानवीय चेहरा भी सामने आया है, जिसकी लोग सराहना करने में पीछे नहीं रहे। दरअसल एक बुजुर्ग महिला लगभग एक घंटे तक बीच सड़क पर गिरी हुई थी, जिसकी पुलिस वालों ने जिस तरह की सहायता की, इसकी खूब तारीफ हो रही है। बता दें कि जमुई पुलिस ड्यूटी के दौरान सिर्फ किसी पर डंडा ही नहीं चलाती, बल्कि जरूरतमंदों के लिए मानवता भी दिखाती है। ऐसा ही एक मामला मलयपुर थाना क्षेत्र के पतौना चौक का है, जहां मुखबधिर बुजुर्ग महिला बीच चौक के सड़क पर बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी। यह महिला लावारिस स्थिति में बीते कुछ दिनों से इस इलाके में देखी जा रही थी, जिसकी सूचना पर मलयपुर थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर को मदद करने के निर्देश दिए गए। फिर पुलिस वाले ने महिला को भोजन करवाया, महिला पुलिस की मदद से उसके कपड़े बदलवाए और फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल भी ले गए। वहीं बीते 13 अक्टूबर को हेलमेट चेकिंग के दौरान एक स्कूटी वाले युवक पर जमुई जिला के पुलिस वालों का डंडा चलाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस के डंडे से बाइक सवार दो युवक सड़क पर गिर गए थे। तब पुलिस पर सवाल उठा था कि इस दौरान पुलिस के इस कार्यवाही से स्कूटी सवार की जान भी जा सकती थी। उस घटना को लेकर उस समय पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी। वहीं ठीक अब उस घटना के विपरीत इस बार पुलिस का मानवीय वाला चेहरा दिखा। जिले के सबसे व्यस्त चौक पर पड़ी बुजुर्ग महिला, जो कि किसी बड़े वाहन के चपेट में आ सकती थी, हादसे में बुजुर्ग महिला की जान भी जा सकती थी, उस महिला को जमुई की पुलिस ने मदद की। टीसीपी 24 न्यूज के लिए बिहार जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट।